बड़ी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं और जिन्होंने हमें ये वीडियो सजेस्ट की है उनका नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें अच्छी सी ईमेल लिखी थी और वो अपनी बहन के साथ बैठकर हमारी वीडियोस भी देखती हैं, तो आपने जो भी ईमेल में लिखा हम आपको बोलते हैं कि आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। वेलकम। वेल, अभी जो वीडियो उन्होंने हमें सजेस्ट की है उसका टाइटल है मनाली टू रोहतांग पास बाय रोड इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे ट्रिप। वैसे रोहतांग पास हम लोगों ने देखा हुआ है, देखी हुई है, लेकिन आज हम एक डिफरेंट वीडियो देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रोहतांग पास दरिया जा रहे हैं साथ साथ। दरख्त कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही गाड़ी में आए हैं ये। हाँ? गाड़ी में शीशे का रिफ्लेक्शन थोड़ा पड़ रहा है। मनाली में था ना वो भी यार। देखो लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस साइड पर एक बाउंड्री होनी चाहिए, थोड़ा बंदा ना वो हौसला होता है। नहीं लेकिन ये कि ऐसे जब से ग्लेशियर के सामने से गुजरते हो ना, बहुत ठंडी हवा आती है, मजा आ जाता है। हाँ, गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। हाँ। बड़े बड़े ग्लेशियर से। हाँ। अच्छा अभी ये थोड़ी सी बेहतर रोड आ गई है ना। हाँ। इतना खूबसूरत व्यू है सामने का। पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे इस एरिया में बंदा गाड़ी भी जा सकता है। यार मुझे इतना दिल करता कि मैं भी ऐसे दोनों साइड पर ग्लेशियर हो, बर्फ हो और मतलब बीच में से रोड के गुजर रही हूँ। मैंने देखा था एक पाकिस्तान में भी ऐसे एक रास्ते में आता है, फिर वहां पर जाकर बंदा ना वो वाले गाने भी करे ये इश्क है। किनारे पे लगे खड़े हुए उन लोगों को ऐसे पता होता है। नहीं था बीच में से, तो सारी साइड पे करते होंगे ना बर्फ। हाँ, ये बीच में से हटा देते हैं ना। ओ यार ये तो कमाल हो गया मौसम। यार परिंदा भी बीच में नजर आया था एक। ये भेड़े हैं ऊपर नीचे ऊपर वही ना मैं यार काफी खतरनाक है इधर से रास्ता। तो सामने बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। यार वो खड़े हो गए हैं। रास्ता दिया वाले अच्छा किया। हां काफी तंग रास्ता है ना। बहुत ज्यादा पर देखें दोनों साइडों कितनी कितनी बर्फ है। दो ट्रक आ गए। बिल्कुल साथ ही लगे हैं, मतलब दो ट्रक हो रहा है ना। अच्छा कितना मुश्किल होता है ना ये। हाँ। बिल्कुल ऐसे साइड पर आई हुई है। एक ट्रक पहले गुजर रुक गया वगैरह, फिर तू पहले गुजर जा, गुजर जाओ फिर मैं जाऊंगा। कितनी अच्छी लगी गाड़ी खड़ी हुई है बीच में। कितनी ज्यादा भीड़ है ना। हाँ तो बाइक जाती है, लेकिन वैसे मैं बात करूँ बाइक पर ठंड बड़ी लगे। ये वाकई खतरनाक रोड था। ये पहाड़ी था, खूबसूरत लग रहा है यार।
खूबसूरत तो लग रहा है लेकिन डेंजरस सर। डेंजरस तो बाकी है लेकिन खूबसूरत। ओह माय गॉड यहाँ पे तो मैं लगता है 4x4 गाड़ी चाहिए होगी। ये भी मैं लगता है कैमरे की स्पीड थोड़ी तेज़ की वीडियो की ना है ना वरना काफी स्लो जा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। ओ देख 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 यार इतना अच्छा लग रहा था। ये मजे का लगा ना एकदम से ज़ूम इन। हाँ जब हम शहर की खूबसूरती से हटकर कुदरती मकामात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देख के इंसान सोचता है कि ज़मीन कितनी खूबसूरत है कितना कुछ है ज़मीन में देखने वाला। क्योंकि शहरों में हमें ज़्यादातर आर्टिफिशियल चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इंसानों की बनाई हुई हैं और जब हम लोग इन साइड्स पर निकलते हैं वहाँ पर हमें ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ें कुदरत नज़र आती है और हम लोग वैसे मेरे जहन में ना तो एक ही वो गाना आता मतलब कौन सा वाला ये इश्क़ है। नहीं 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 वो तो मैं पीछे गा रही थी ये हसी वादी राग बंद कर लू राग म्यूट कर लू लेकिन वाकई में ऐसी जगह पर जाकर आपको ना आपकी फीलिंग ही कुछ अलग लेवल की होती है इतनी खूबसूरती। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अटल टनल देखी थी और स्पेशली अटल टनल बनाई भी क्यों गई थी वो भी हम लोगों को पता है लेकिन वाकई में जिस तरह से बर्फबारी हम लोग देख रहे हैं ग्लेशियर रास्ते में हाँ ग्लेशियर्स हम लोगों को नजर आ रहे हैं तो वाकई में मैं कहती हूँ कि कमाल की एक ये जगह है और अटल टनल बहुत ज्यादा मैं कहूंगी ये खूबसूरत भी और बेनिफिशियल भी। अच्छा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जैसे हम इस रास्ते से गुजरे ना तो रास्ते में जो ग्लेशियर्स आए तो मुझे वो देख के ना अपना जो थोड़ा बहुत टूर मेरे जहन में बसा पड़ा हुआ है रान का गान वाला वो याद आ गया मुझे अच्छी तरह याद है। रास्ते में जो है एक जगह आती है वहां पे क्या होता है ऊपर से आबशार आती है तो नीचे क्या किया हुआ लोगों ने वो चारपाइयां रख के वहां पर खाना वगैरह खिलाते हैं अगर आपको याद हो बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे इस तरह का भी सीन है। फिर उसके बाद रस्ते में कई जगह ग्लेशियर ऐसे हैं कि लोगों ने ना उसे खोद के उसमें वो एक तरह का रेफ्रिजरेटर बनाया वहां के मुकामी लोगों ने और उसमें उन्होंने बोतलें रखी हुई है ठंडी करने के लिए डिफरेंट ऐसी चीजें जिसे जरूरत हो तो वो लोगों को बेसिकली सेल करते थे। ग्लेशियर देखे में वो सारा जो नजारा याद आ रहा था तो एक ही गाना याद आ रहा था ये हसी वादियां जो लोग सीरियसली रोड्स बनाते हैं यहाँ पर और पता है मुझे लगता है मौसम ये सीरियसली एक ना एडवेंचर टाइप की जगह है यहाँ पर आम लोग जिनके दिल थोड़े कमजोर है ना उनका जाना थोड़ा मुश्किल होगा। इवन की अगर मैं भी ड्राइव करूंगी ना तो मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं ना इस साइड में करूँ इस साइड में मेरी ड्राइव ना। इससे पहले जो है हमने भी एक वीडियो देखी है अभी कल परसों देखी थी वीडियो जो हिम बस वालों की थी जिसमें वो बस जो है वो इतने खतरनाक मोड़ों से होते हुए गुजरी वो तो काफी ज्यादा खतरनाक था लेकिन वो प्रोफेशनल थे। लेकिन अगर इनकी बात करी ये तो मैं कहता हूँ जिस तरह इन्होंने गाड़ी निकाली है और जिस तरह वीडियो बना रहे हैं साथ हिम्मत चाहिए भाई इस साइड पे खास तौर पर बैठ के गाड़ी के असल में ना मौसम हम लोगों को आदत नहीं है ना या हम लोगों ने कभी ड्राइव नहीं किया इन साइड से अदरवाइज जो लोग ड्राइव कर लेते हैं ना उनको इतना प्रॉब्लम नहीं लगता। इवन की मेरी कलीग थी वो लोग बड़े आराम से मरी तक ड्राइव करके चले गया करते मरी तो अब बहुत वो हो गया ना चाहे फिर भी लेकिन मौसम औरतों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनका उनके लिए शहर में प्रॉब्लम होता है तो ऐसे पहाड़ों पे चढ़ना औरतों का कोई भरोसा नहीं गाड़ी मोड़नी हो पहाड़ से सीधा वैसे ना मर्दों का भी कोई पता नहीं ठीक है ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे मर्द देखे हैं जो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो देखे देखे आप मान गए ना हम तो मानते ही नहीं ये औरतें अच्छी ड्राइविंग करती हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं देखा है जाना इधर होता है और इंडिकेटर इस साइड का दिया होता है भाई हम लोग इधर जा रहे हैं। एनीवे गाइस ये ऐसी डिबेट है जो कभी खत्म नहीं होती बट ये है कि हाँ मुझे लगता है कि नेचर के करीब इंसान को जाना चाहिए आपके पास यू नो टाइम अपने लिए निकालना चाहिए क्योंकि जब आप इन साइड्स पर जाते हो ना तो हमेशा ऐसा होता है मतलब जो मैं अगर जैसे पाकिस्तान में हम लोग अगर नॉर्दर्न साइड पर जाएं तो ज्यादातर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी उस तरह नहीं मिलती जैसे कि आपको सिटीज में होती है
वहां पर मुझे बिजली की वैसे इतनी जरूरत पड़ती मोबाइल नहीं चार्ज करना नहीं वो वाले वर्ष उतना सा तो हो ही जाता है बट नहीं मैं मतलब मैं बात करूंगी जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में बैठकर शहरों में हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं मुझे लगता है वहां पर हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग अपने आप को समझे नेचर के करीब रहे मैं अगर बात करूँ 2012 की तो 2012 में मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने शहरों की भी बात करें तो यहाँ पे भी कोई इंटरनेट इतना खास नहीं था बहुत नॉर्मल था इंटरनेट यहाँ पे भी तो वहाँ पे तो फिर बिल्कुल ही गया गुजरा होगा लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे काफी ज्यादा बेहतरी आ गई होगी इस चीज में दूसरा जो है मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप नेचर के करीब जाते हैं ना बेशक वो आप मैदानी इलाकों में चले जाएं जहाँ पे सरसब्ज हरियाली हो या अगर आप पहाड़ों में चले जाएं आपके दिल को यानी कि आपकी अंदरियों को ना बहुत ज्यादा सुकून मिलता है खासतौर पर वहाँ पे जो परिंदे चहचहाते हैं या जो जानवर होते हैं जैसे भी हमने मेमे देखे बीच में तो वो ये भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं मैं कल मेरे एक फ्रेंड थे वो महाराष्ट्र में कहीं गए हुए थे किसी ना हाई पॉइंट पे घूमने गए थे तो उन्होंने स्टेटस लगाया था वे चिड़िया पता नहीं कौन कौन से परिंदे उनके चहचहाने की आवाज आ रही थी मैंने पूछ लिया मैं कहा ये ओरिजिनल है साउंड है कि ये फेक है तो उसने कहा नहीं ओरिजिनल है लेकिन ये ना कि आप जब जाते हो ना जैसे पहाड़ों पे जाते हो वैसे मुझे रात के टाइम पहाड़ों को देखने का बहुत मतलब डर लगता है मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऐसे बड़ी कोई होते तो बहुत जायंट सी लुक आती है उनकी जिन खड़े हुए बड़े बड़े नहीं जिन की बात नहीं मतलब एक अंधेरा होता है और इतनी बड़ी बड़ी चीजें खड़ी हुई है तो मतलब मुझे थोड़ा डर लगता है हाँ मुझे डर लगता है तो लेकिन ये मैं सोची कि जब आप दिन में बाहर निकलते हो ना तो एक फिजा अलग होती है आप उसको फील कर पाते हो और वो जो हवा में खुशबू होती है एक महक और यू नो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उसकी क्या मतलब आप जब मतलब आप सांस लेते हो तो आपको कैसा फील होता है इतना फ्रेश कि कभी मेरे घर में आपके फेफड़ों ने कभी इतना ज्यादा आपके, आपके फेफड़े भी आपसे सवाल करेंगे कि भाई कहाँ ले आए हो हमें ओवरऑल गाइस हमें तो बहुत मजा आया ये वीडियो देखने का एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा आप में से कौन कौन यहाँ पर विजिट कर चुका है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अब हमें इजाजत मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स गुड बाय